असलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका नज़र इंडिया न्यूज़ में और हम इस वक्त मौजूद है राशिद भाई के साथ में। राशिद भाई जो बहुत खिदमत में लगे हुए हैं आवाम की इस वक्त इस पूरा शोक दौर में, जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, उमरा कौसा में इस वक्त जो पिछड़े तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी तरफ से शाहीन बाग के पूरी टीम को हमें हमारी तरफ से सलाम है और राशिद भाई को भी। ये कुछ अपील करना चाहते हैं उमरा वालों से, जो मुमरा में डंपिंग ग्राउंड का कचरा जलाया जा रहा है, दीवा में उसका धुआं आ रहा है, उस तालिक से इन्होंने कुछ लेटर्स भेजे हैं पीएम को, सीएम को, इन्होंने जो जहां भी मेल किए हैं उस बारे में बात करेंगे। नशीद भाई क्या कहना चाहेंगे? ये जो डंपिंग ग्राउंड जो है, ये दीवा और मुमरा के बीच में जो है, इसका शिकार सिर्फ मुमरा वाले नहीं हो रहे, ये धुएं से प्रॉब्लम जो है वो दीवा को भी हो रहा है, मुमरा को भी हो रहा है। ये धुआं मुमरा से होते हुए कलवा में भी जा रहा है, जहां जाए ये हवा रुख फैलेगी। तो ऐसे ही हमारे मोहल्लों में, इलाकों में जो है वो बीमारियां कम नहीं है, हॉस्पिटल भरे हुए बच्चों से। तो बहुत सारे डॉक्टर्स की भी शिकायत आ रही थी कि ये धुएं से जो है ना, वो बच्चे सर्दी जुकाम और टीवी के मरीज आप देखो कि कम नहीं है, मुमरा में, कलवा में, दीवा में टीवी के मरीज भी है और फिर दम्मे के मरीज जो है वो कम नहीं है। तो ये जो धुआं जो है ये जलाया जा रहा है वहाँ पर, इसके लिए कुछ इख्तिताम हो ही नहीं रहा है, कुछ अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा है। बस वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड जो चालू किया गया उससे धुआं रात में आप देखोगे बच्चों के, हम लोग खुद बाहर निकलते तो रात में आंखें जलने लगती है, रोड पे चलोगे तो ऐसा लगता है कि सर्दी का मौसम है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने इसके रिलेटेड लेटर भेजा है थाने आरओ, मुंबई आरओ, महाराष्ट्र आरओ और हमारे सीएम को, मैंने अपने पर्सनल आईडी से भी मेल भेजा है और मैं और भी जो मुंबई के फाउंडेशन है और जो संस्था है, जो बड़े बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज अपने कदम आगे बढ़ाए और खुद निकले बाहर, किसी के भरोसे पे ना रहे कि मतलब ये हमारे लिए काम करेगा या वो इंसान हमारे लिए कुछ करेगा। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। मैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बाहर निकले, सरकार ने हमें फैसिलिटीज दी है, एप्लीकेशन दिए, लेटर दिए। आप पढ़े लिखे लोग हो यार, आपको किसकी जरूरत है, आप क्यों दूसरों के लिए वेट कर रहे हो? आप खुद मेल करो, लेटर भेजो। अगर कोई नीचे वाला प्रशासन नहीं सुनता है, थाने वालों से बात करो, मुंबई वालों से बात करो, महाराष्ट्र से बात करो, पीएम को लेटर भेजो। नहीं, ये बहुत से कायदे कानून है, उनके हिसाब से आप खुद आगे बढ़े तभी आप अपने माहौल को सुरक्षित रख सकते हो। आज इतनी बड़ी बीमारी आज फैली हुई है, कुछ रिप्लाई है राशिद सर? अभी फिलहाल तो कोई रिप्लाई आया नहीं है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, मेरी एडवोकेट से बात भी हुई है। तो अभी उसके आगे क्या लेटर मुझे भेजना है, अभी मैं हम लोग वो भी लेटर मैं भेजने वाला हूँ उसके ऊपर। मैं सिर्फ मुमरा वालों से ये अपील करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके अपने घरों से बाहर कचरा ना फेंके। आपके बिल्डिंग्स में जो कचरे वाले आ रहे हैं, सोसाइटीज में जो अरेंजमेंट किया हुआ है कचरे वाले आ रहे हैं, उनको कचरा दे और सरकार ने उनको छुट्टी नहीं दी है, ये जो बीमारी फैली है। राशिद भाई, जैसे कि आपने जो काम किया अभी यहाँ पर देखा जा रहा है, अच्छा बेहतरीन कदम उठाया आपने, लेकिन देखा जाता है कि जो आवाम है, ज्यादातर लोग, सब नहीं, पॉश कॉलोनियों के अलावा देखा जाए कि ज्यादातर ना तो कचरे की सुविधाएं रखते हैं अपनी बिल्डिंग में, नहीं साफ सफाई रखते हैं। और मुमरा जो कि 90% कहा जाता है कि मुसलमानों का इलाका है, यहाँ पर देखा जाता है कि सफाई बिल्कुल नहीं है। अकेले कॉरपोरेटर्स को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि वो काम नहीं करते, लेकिन आवाम के लिए क्या, आपका आवाम की भी क्योंकि जिम्मेदारी होती है साफ सफाई? देखो, मैं बोलूंगा कि आवाम, जैसे अगर आप हॉस्पिटल भी बोलोगे या स्कूल्स या मतलब कॉलेजेस भी बोलोगे, आवाम आवाम होती है, ये कहीं की भी आवाम हो, इनके अंदर हैबिट डालनी पड़ती है। हम लोग जैसे दूसरे काम के लिए आवाम के पीछे पड़ते हैं कि आपको यही करना है, आपको यही करना है, आपको यहाँ पर ही वोट देना है, आपको इसी को वोट देना है, आपको इसके यहाँ पर नहीं जाना है, इसके यहाँ पर आज जाना है, तो वैसे ही हम लोगों को आवाम को हैबिट डालनी पड़ेगी कि आपको अपने जो प्रशासन है ना, इनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पर कचरा लोग फेंक रहे ध्यान दे, कहाँ पर कचरा लोग नहीं फेंक रहे वो ध्यान दे, कहाँ पर आपको साफ सफाई रेगुलर बेसिस पे करना है। आपके हॉस्पिटल्स आपने देखो, अगर देखोगे तो स्कूल के आजू बाजू में, हॉस्पिटल्स के आजू बाजू में बहुत सारी जगह कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ मतलब अवाम का वहाँ लेना देना ही नहीं। अवाम तो बिल्डिंग के नीचे, अगर आप बोलोगे बिल्डिंग के नीचे कचरा फेंकते हैं, हमने ऐसी ऐसी जगह पे देखा कि बाहर आजू बाजू में अवाम है नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल के बाजू में पूरे कचरे के थान लगा हुआ है आप अगर घूमोगे तो अवाम का तो वो काम है। मैं अवाम से इसलिए बार बार अपील कर रहा हूँ कि मेहरबानी करिए, ये जो सफाई है वो आधा हमारा ईमान है, हमको खुद को इसका फरमान है कि अपने घरों को, अपने मोहल्लों को साफ रखे। तो मेहरबानी करके अपने घरों को साफ रखे, खिड़की वगैरह से कचरा ना फेंके, बिल्डिंग के नीचे कचरा ना फेंके। इस बीमारी से, जो महामारी आई हुई है, इससे भी बचने के लिए डॉक्टर्स ने बोला है कि अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने मोहल्लों को साफ रखे। तो मैं प्रशासन से भी और आवाम से भी, दोनों से अपील करूंगा कि हम दोनों को अपना अपना काम बखूबी निभाना होगा, उसी के जरिए हम जो इस बीमारी से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आप लगे हुए हैं, आपकी कोशिश को सलाम है और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भी तबीयत का ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त जो महामारी फैली हुई है वो बहुत बड़ी एक मसला बन के उभरी है यहाँ पर। और मैं मुमरा की आवाम से भी कहूँगा कि जो इन्होंने पहल की है
तो मैं चाहता हूँ कि जो आरटीआई वाले जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग मुमरा के इस गंभीर मसले पे ध्यान दें, क्योंकि ऐसे वक्त में जब ये बीमारी जोर पकड़ रही है उस वक्त यहाँ पर ये कचरा, ये गंदगी, वो फिर चाहे मुमरा हो या दीवा हो, ये कोई मजहब देखकर बीमारी नहीं आई है, तो एक पट्टी को उतार कर फेंक दिया जाए आंखों से। और मैं अपील करूंगा कि इस चीज पर ध्यान दिया जाए।